दोस्तों मेरे पास है लेनोवो का आइडिया पैड 110। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इसमें विंडोज 7, 8, 10 कुछ भी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसकी बूट मेनू की क्या है। मैं सबसे पहले दोस्तों मैं इसमें विंडोज 10 डालूंगा, तो विंडोज 10 की बूटेबल पेन ड्राइव लगाऊंगा। इसके बाद आपको इसमें Fn का बटन प्रेस करना है और पावर प्लस F12। आप पावर बटन दबाएंगे, Fn का बटन दबा के रखेंगे और F12 का आपको प्रेस करेंगे 3 से 4 बार, तो बूट का ऑप्शन आ जाएगा। ये करा मैंने और यहाँ से ये दोस्तों बूट का ऑप्शन ओपन हो गया है और यहाँ पे मेरी इस सैंड डिस्क की पेन ड्राइव शो हो रही है। इस पर मैं सेलेक्ट कर लूँगा अप डाउन से और इंटर कर दूँगा और यहाँ पे वो पूछेगा विंडोज 10 आपको 64 में डालना है, 32 में डालना है, जिसमें आप डालना चाहें मैं 64 में डालूँगा। यहाँ से इंटर कर दूँगा तो ये विंडोज 10 की इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लेनोवो के लैपटॉप को बूट कर सकते हो। लेनोवो आइडिया पैड 110 मॉडल है। अगर आप इसमें विंडोज़ इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसको बूट कर सकते हो।